आलमी खबरों में आपको बताएं कि लबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिरीन के सामने हथियार डाल दिए हैं। हसन दियाब ने मुल्क में कबल अज़ वक्त पार्लियामानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया। मुजाहिरों में पुलिस एहलकार हलाक और 238 अफराद जख्मी हुए हैं। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म हसन दियाब ने मुल्क में कबल अज़ वक्त पार्लियामानी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। कौम से खिताब में उन्होंने कहा है कि मुल्क में हजारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं और बैरूत के सानहे के बाद मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुल्क को दरपेश हमा जहत बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा कर मुल्क में नई सियासी नुमाइंदगी और नई पार्लियामेंट मुंतखब की जाए। दूसरी जानब बैरूत में होने वाले हौलनाक धमाके के बाद फैलने वाली तबाही पर हुकूमत की जवाबदेही और इंसाफ तलब करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। मुजाहरीन ने पार्लियामेंट की जानब से पेशकदमी करने की कोशिश में सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम में 238 अफराद जख्मी हो गए, जबकि पुलिस ने 19 अफराद को हिरासत में ले लिया। तसादुम के दौरान एक एहलकार के हलाक होने की भी इत्तला है। इससे कबल मुश्तल मुजाहरीन ने हुक्मरान जमात के दफातर समेत मुख्तलिफ सरकारी इमलाक पर धावा बोल दिया। मुजाहरीन ने लबनान की वजारत तवानाई, खारजा और वजारत खजाना की इमारतों को महासरे में ले लिया और कई मकामात पर सरकारी मुलाजमीन को यरगमाल भी बनाया। बैरूत में अमरीकी सफारतखाने ने अपने ट्विटर अकाउंट से पुरअमन मुहदों की तायद की है। ट्वीट में कहा गया है कि क़यादत का हकीकी इस्तेहकाक रखने वाले लीडर शफाफियत और एहतसाब के आवामी मुतालबात को तस्लीम करते हैं।